समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, अंजुम आरा हमारे साथ बनी हुई है। दीपक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि एक लड़ाई, ये राहुल गांधी वाली लड़ाई तो कांग्रेस ने कह सकते हैं कि अब ये शांत हो गया, अब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे, लेकिन दूसरी लड़ाई है इंडिया बनाम एनडीए की। इंडिया को यह साबित करना है कि हम एनडीए के खिलाफ लड़े हैं मजबूती के साथ, और कूटनीति में, रणनीति में, चुनावी जंग में हम उनसे आगे हैं। तो आज जब अध्यादेश को लेकर वोटिंग होगी, अध्यादेश को लेकर आज जब चर्चा होगी, तो इंडिया जीतेगी एनडीए से? देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, नहीं सत्य पराजित नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जी के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया उसका हम पूरे खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। और देखिए, जो उनका फैसला आया ना, उसे ना सिर्फ कांग्रेसी बल्कि हिंदुस्तान के आम जनमानस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के आस्था और विश्वास और मजबूत और बढ़ा है आस्था और विश्वास। और रहा सवाल देखिए ऑर्डिनेंस का, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई शिवम त्यागी जी, हमारे सहयोगी शिवम त्यागी जी बैठे हुए हैं, ये लोग देखिए उन्होंने ये जरूर कहा कि हम माननीय न्यायालय में विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ना माननीय न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोग ना ये लोग जनमत का विश्वास करते हैं। इन्हीं के मैनिफेस्टो में था कि ये लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को भूल गए ये लोग? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़ा किया, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जी नहीं कहा था कि हम लोग दिल्ली को, अगर हमारी सरकार आती तो हम दिल्ली को पूर्ण राज बनाने का काम करेंगे। लेकिन सही है, मान लीजिए संख्या बल में हो सकता है कि एनडीए जो है आज इंडिया अलायंस से ज्यादा हो, लेकिन मैं तो आपके चैनल पर जितने भी राज्यसभा के जितने भी राज्यसभा सांसद हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, आज अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए, आज लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है, आज लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है। अगर आप डेमोक्रेसी के साथ हैं तो आपको दिल्ली सरकार को आपको साथ देना चाहिए। आज लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस हिपोक्रेसी है। अगर आप डेमोक्रेसी के साथ हैं तो आपको दिल्ली सरकार का आपको साथ देना चाहिए। और अगर जितने भी लोग, अगर आज ये दिल्ली ऑर्डिनेंस जो आने वाला है, अगर राज्यसभा में दिल्ली सरकार के साथ अगर लोग अंतरात्मा की आवाज उठाएंगे, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की बात कर रहे हैं रंजन साहब आप, लेकिन ये तो इंडिया की पहला इम्तिहान था, और इसे क्यों ना कहा जाए, अगर आज राज्यसभा में बीजेपी इस अध्यादेश को पास करा लेती है तो इंडिया की पहली नाकामी होगी। आप क्यों नहीं बीजेडी को मना पाए, आप क्यों नहीं दक्षिण में वाईएसआरसीपी को मना पाए, बीआरएस जो कभी आपका करीबी होता था, अखिलेश यादव उनकी रैलियों में शामिल होते थे, उस बीआरएस को इंडिया नहीं मना पाया, तो ये तो नाकामी हुई ना पहली। देखिए रवि जी, इंडिया की सबसे बड़ी जीत तो आज आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से राहुल गांधी जी के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हुआ, वहां भी इंडिया माननीय न्यायालय उस पर विश्वास, माननीय न्यायालय पे हम इंडिया अलायंस को लोग हम लोग विश्वास करते हैं, और हमको पूरी उम्मीद थी, पूरी हमको आस्था थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय में और जनमत में विश्वास नहीं करते हैं। मैंने बार बार कहा था कि अपनी उनकी पार्टी वाईएसआर की अपनी पार्टी है, बीजू जनता दल उनकी अपनी पार्टी है, और वो किसके साथ बीआरएस किसके बीआरएस बीआरएस दीपक जी अखिलेश यादव दक्षिण गए थे राहुल गांधी ने, आज आप राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए, तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश शामिल नहीं हुए थे, वो बीआरएस के साथ चले गए थे, आज बीआरएस आप लोगों से अलग है। नहीं रवि जी, बिल्कुल उनकी भारत जोड़ो यात्रा को बिल्कुल लिखित उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से उन्हें बधाई देने का काम किया, और आगे जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा होने आ रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें आरएलडी के जयंत चौधरी जी, जयंत सिंह जी, और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी उसमें शरीक होंगे, शामिल होंगे। अब देखिए उनकी अपनी पार्टी है वाईएसआर की, और वो किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाता है, इसीलिए मैंने बार बार कहा क्या लड़ाई डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वर्सेस हिपोक्रेसी है। अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो आपको दिल्ली सरकार को आपको साथ देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? ठीक है, दिल्ली सरकार को बचाना है तो तमाम विपक्ष को एकजुट करना था, क्या उसमें कामयाब हुआ इंडिया अलायंस?